जाते हैं ना देखने के लिए, जो भी काम शुरू हम लोग पहले से किए हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ क्या कमी है, तो विकास का काम भी कितना हुआ, और दूसरी बात है कहाँ पर और क्या कमी है, वो सब देखने जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइफस्टीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं। देखिए, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास एकर मार्ग से निकले हैं, समाधान यात्रा पर वो निकले हैं, और पूरे महीने भर वो बिहार के हर ज़िले में जाएंगे, घूम घूम कर देखेंगे तमाम जितने विकास कार्य किए जा रहे थे। कुछ एक जगहों पर अगर कार्य रुका हुआ है तो क्यों काम रुक गया है, कितना काम हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं नीतीश कुमार, और लोगों की नब्ज को टटोलना ये नीतीश कुमार को बखूबी आता है। लोगों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे। हाल ही में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तो जो लोगों के बीच का माहौल है, लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और सरकार ने जो काम किया है, जितने कार्यों को किया है, जितनी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो क्या लोगों तक पहुंच पा रही है नहीं, जमीन धरातल पर आखिर हकीकत क्या है, ये तमाम बातों पर नीतीश कुमार की नज़र रहेगी। नीतीश कुमार निकल चुके हैं, पश्चिमी चंपारण पहुंचेंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेतिया जाएंगे, और कल से उनकी यात्रा की शुरुआत होनी है। पश्चिमी चंपारण से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी, फिर आगे शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सिवान, सारण, सुपौल, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, मुंगेर और लखीसराय होते हुए पटना तक यात्रा लौटेगी। तो पूरे महीने भर का कार्यक्रम तय है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं, और कह सकें इस बार जो उनकी यात्रा है, इससे पहले भी वो कई यात्रा कर चुके हैं, आशीर्वाद यात्रा हो या कह सकें संकल्प यात्रा हो, कई सारी यात्रा वो कर चुके हैं, जिसके बारे में कई बड़े नेता JDU के बताते भी हैं। लेकिन इस बार जब वो यात्रा पर निकले हैं, ठंड का मौसम है, कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है पूरे बिहार में, जब लोगों से मिलेंगे तो उनकी एक अलग इच्छा होगी, लोगों से वो जाने, बातों को समझे, क्या कुछ वो कह रहे थे, जरा सुनिए। आप जो यात्रा पर निकल रहे हैं, उससे फायदा होगा इस बार लगता है आप जो नहीं, हम फायदा के लिए नहीं, देखिए आप तो जानते हैं हम सब दिन जाते हैं ना देखने के लिए, जो भी काम शुरू हम लोग पहले से किए हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ क्या कमी है, किनको क्या दिक्कत है, एक एक चीज देखने और समझने जाते हैं। एक तो विकास का काम कि कितना हुआ, और दूसरी बात है कहाँ पर और क्या कमी है, वो सब देखने जाते हैं हम, उसके चलते उसका एकदम बिल्कुल आकलन करने, देखने, स्पॉट पर जा करके ये सब के लिए हम जाते हैं। तो आप लोग को तो पहले से मालूम ही है हमारी जो यात्रा होती है, तो इस तरह का इस बार वाला तो पूरा उसी के लिए है, खास करके विकास का और सब लोगों का, किसी को कोई कमी है, कमजोरी है, सबका बात सुनेंगे और सबको देखेंगे। तो अपनी इस यात्रा को लेकर नीतीश कुमार ने पहले ही सब कुछ बता दिया है, क्या बात है विकास कार्य को लेकर लोगों से जानेंगे। देखिए, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है, 2024 और 25 का मिशन लेकर चले नीतीश कुमार, जीत किसी भी हाल में चाहिए, महागठबंधन बनकर तैयार है, आगे तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद भी करेंगे, कोशिश तो कर ही रहे हैं, और सामना सीधा सीधी BJP से है, टक्कर सीधी सीधी BJP से है। देश में क्या काम हुआ, अक्सर पूछते हैं, अक्सर मंचों से कहते हैं, मंच से भाषण देते हुए कहते हैं, जिन्हें आज़ादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, आज वो आज़ादी के नाम पर क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। सीधा सीधी जो निशाना है वो BJP पर रहता है, RSS पर होता है, लेकिन नीतीश कुमार जब समाधान यात्रा पर निकले हैं, देखना यह है कि इस यात्रा से नीतीश कुमार को कितना लाभ होगा, बिहार की जनता को कितना लाभ होगा, वो अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुँचा पाते हैं या नहीं, मुख्यमंत्री समझते हैं नहीं, और तमाम जो कार्य हैं। देखिए, हम तो चाहते हैं कि बिहार का भला हो, बिहार आगे बढ़े, और जो कार्य कुछ एक जगहों पर रुके हुए हैं उसमें भी तेजी आएगी। नीतीश कुमार पटना से निकल चुके हैं, अब पूरा बिहार दौरा करेंगे, तभी वो फिर आगे कुछ बताएंगे, उससे हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।